अब हम देखेंगे कि ऑक्टल नंबर को डेसिमल में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाता है। ऑक्टल नंबर हमारे पास ये दे रखा है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है दे रखा है इस प्रकार से लिखना है और नीचे आप 8 लिख दीजिए। सबके नीचे 8 लिख दिया क्योंकि ऑक्टल नंबर है। अब आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो इसकी 8 की पावर 0 से शुरू करना है, 0, 1, 2, 3 और 4, और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं मल्टीप्लाई करना, आप चाहे तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं मल्टीप्लाई करना। तो मैंने इसमें यहाँ से शुरू कर दिया, 4 × 8 की पावर 0 प्लस 5 × 8 की पावर 1 प्लस 0 × 8 की पावर 2 प्लस 3 × 8 की पावर 3 प्लस 1 × 8 की पावर 4, इसको लिख के सॉल्व कर दिया मैंने। तो ये आंसर वैल्यू आ गई मेरे, तो सब, और जब मैंने इस वैल्यू को सभी को जोड़ा तो ये आंसर आ गया 5676/10, इसके अंदर कन्वर्ट कर दिया मैंने। और एक क्वेश्चन एक और देखते हैं कि 540.2/8 चेंज करना है डेसिमल में। 540 लिखा, फिर पॉइंट लिखा, फिर 2 लिखा है। पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जब आप बढ़ोगे तो आपको इसमें पावर 0 से 1, 2 लिखनी है, यानी पॉजिटिव वैल्यू आएगी पावर। जब आप पॉइंट से राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ोगे तो आपके इसके अंदर माइनस में लिखना है, 0 तो आ गया इधर, फिर वापस -1, -2, -3 इस तरह से, फिर इधर बढ़ोगे तो 1, 2, 3 इस तरह से लिखनी है। तो मैंने यहाँ लिखा 5 × 8 की पावर 2 प्लस 4 × 8 की पावर 1 प्लस 0 × 8 की पावर 0, फिर पॉइंट, फिर 2 × 8 की पावर -1। इन सभी को मैंने जोड़ा तो मेरे पास ये फाइनल आंसर आ गया। आपको इसको इस तरह से लिखना है। अब हम समझते हैं कि डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर के अंदर कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो डेसिमल नंबर जो कि मैंने अभी सॉल्व किया था 5676, मैंने इसी को वापस ले लिया है और इसको हम चेंज करेंगे ऑक्टल नंबर के अंदर। तो 5676 के अंदर आपको 8 का भाग देना है। तो जब आप 8 का भाग दोगे तो 709 बार जाएगा, जिसकी वैल्यू 709 को आप 8 से गुणा करोगे तो 5672 आएगा। जब आप 5676 में से 5672 को घटाएंगे तो पीछे बचेगा 4, आपको 4 यहाँ लिख देना है, ठीक है। फिर वापस इसके अंदर आपको 8 का भाग दोगे तो 88 बार जाएगा, पीछे जो बचा आपको यहाँ लिख देना है। फिर 88 के अंदर 11 का भाग दिया, यानी 8 × 11 = 88, और पीछे कुछ नहीं बचा तो मैंने इसमें 0 लिख दिया। फिर 11 के अंदर 8 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, तो इसमें पीछे कितना बचा, 3 बचा, तो 3 मैंने यहाँ लिख दिया। 1 के अंदर 8 का भाग दोगे तो भाग नहीं जाएगा, 0 जाएगा, यानी वापस 0 को आपको इसमें 1 लिख देना है। जब आप आंसर इसमें राइट करो तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हुए आंसर इस तरह से राइट करना है, 1 आ गया, 3 आ गया, 0, 4, 0, 5 और ये 4, ब्रैकेट क्लोज और बेस 8, इस तरह से आपको लिखना है। अब हम एक और क्वेश्चन समझते हैं कि जो फ्रैक्शनल वैल्यू होती है उसको हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो 352.25 × 10, जो पॉइंट के इस तरफ जो वैल्यू होती है उसे हम बोलते हैं इंटीजर पार्ट, और पॉइंट के राइट हैंड तरफ की जो वैल्यू को फ्रैक्शनल पार्ट कहते हैं। तो मैंने सबसे पहले आपको 352 के अंदर 8 का भाग देना है, 8 का भाग दोगे तो 44 बार जाएगा पूरा पूरा, पीछे कुछ नहीं बचा तो 0 लिख दिया। 44 के अंदर 8 का भाग दिया, 5 बार जाएगा, 5 × 8 = 40, पीछे बचा 4 यहाँ लिख दिया। 5 के अंदर 8 का भाग दोगे तो 0 बार जाएगा, फिर वापस आपको यहाँ 5 लिख देना है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए आंसर को राइट करना है, 5, 4 और ये 0 / 8 लिखा। फिर आपको इसमें जो है 0.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से तो आएगा 2.0, फिर आपको मल्टीप्लाई करना है 0 को, 0 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो 0 ही आएगा, फिर वापस 0 को मल्टीप्लाई करोगे 8 से तो ये 0 ही आएगा, ठीक है। इस तरह से तो हमारा फाइनल आंसर क्या हुआ, 0.2 इसमें ऐड करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 540.2/8। आया समझ में, बहुत सिंपल है दोस्तों, सॉरी आपको ये नज़र नहीं आ रहा, 540.2/8 आंसर ये हमारा